मेरे पति की नौकरी चली गई, अब उसका पगार भी बंद हो गया। अब सिर्फ मेरे पगार में यहाँ मुंबई में हमको कैसे परवड़ेगा? हमने सोचा हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम। अरे नट्टू काका सेठ मैं हूँ कि आप है? अरे भाई मुझे देर हो गई ये पता है, उसमें आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं कि देर हो गई मुझे? आ रहा हूँ दुकान पे। फोन रखो। अरे दया, बापूजी दया को देखा है आपने? अच्छा कहाँ है? नहीं देखा? कुछ समझा नहीं बापूजी, देखा कि नहीं देखा? अरे रोज देखता हूँ पर आज नहीं देखा। अरे क्या हुआ? सॉरी क्या हुआ? अरे बहू बोलो क्या हुआ? अरे हाँ माला धो गई। क्या हुआ बोलने भाई? रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, अरे अरे बिचारी की उम्र ही क्या थी। क्या बात करते हो, छोड़कर चली गई मतलब नौकरी छोड़कर चली गई? अब मेरा क्या होगा? कौन मुझे काम में हाथ बटाएगा? वो जब नौकरी छोड़कर चली गई तब तो फोन क्यों नहीं आया? ये धरती क्यों नहीं फट गई? ए दया ये सीरियल का डायलॉग बोलना बंद कर। रुक्मणी गई तो गई, दूसरी रुक्मणी मिल जाएगी, उसमें क्या है? अरे लेकिन रुक्मणी नौकरी छोड़ के गई क्यों? क्योंकि उसके पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। कहती थी कि मुंबई की महंगाई में वो नहीं रह सकेगी। नहीं वो बात तो सही है बापूजी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अपना वो जलेबी फाफड़ा वाला, उसने जलेबी फाफड़ा का भाव 1.5 गुना कर दिया। सॉरी बापूजी, सच कहती हूँ, रुक्मणी को मैंने हमेशा हमारे परिवार की सदस्य की तरह ही रखा था। एक बार शायद टप्पू के पापा को ठंडी चाय गरम करके पिलाई होगी, लेकिन रुक्मणी को मैंने हमेशा ताजी गरम चाय ही पिलाई थी। क्या? हाँ, रुक्मणी के पति को नौकरी से निकालकर उसके सेठ ने अच्छा नहीं किया है। अरे पर उसका सेठ नौकरी से नहीं निकालता तो क्या करता? मार्केट में मंदी कितनी है। या भाई मंदी हो या फंदी, ऐसे कैसे किसी को नौकरी से निकाल देते हैं? हाँ तो मैं उसके सेठ को श्राप देती हूँ कि उसकी कमाई कम हो जाए और रुक्मणी के पति की कमाई बढ़ जाए, और भविष्य में वो रुक्मणी के पति के यहाँ नौकरी करने जाए और वो उसको नौकरी से निकाल दे। ये नट्टू काका सच कहते हैं, ये सेठ लोग वाइड ही होते हैं। हे भगवान कहाँ जाऊँ मैं? घर में नट्टू काका जैसी दया और दुकान में दया जैसे नट्टू काका। अब दूसरी रुक्मिणी कहाँ से मिलेगी बापूजी? रुक्मिणी रुक्मिणी रुक्मिणी, सुबह से सिर्फ रुक्मिणी के नाम का जप हो रहा है इस घर में। अरे कोई गुजर नहीं गया है माधवी, सिर्फ रुक्मिणी काम छोड़कर चली गई है। तो उसमें डांट क्यों रहे हो? मेरे दर्द को समझो। देखो माधवी, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। समझते तो दूसरी काम वाली ढूंढ कर लाते थे। अरे देवा जल्दी से इस घर में दूसरी काम वाली भाई भेज दे, वरना ये मुझसे लड़ती रहेगी। हेलो हेलो, हाँ 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 है, 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 देता हूँ। हेलो रुक्मिणी है? नीता बहन है। हेलो, हाँ नीता बहन, हाँ वो जरा पापड़ के लिए थोड़ा लेट हो गया, क्या है कि आज मैं पापड़ नहीं दे पाऊंगी, मैं परसों शाम को आपको पक्का पापड़ दे दूंगी। हाँ नहीं वो क्या है कि हमारे काम वाली रुक्मिणी है ना, वो चली गई है। हाँ देखो ना, हाँ ठीक है, देखा गीता बहन को भी अफसोस है रुक्मिणी जाने का, लेकिन आपको नहीं है। अरे माधवी तो अफसोस करने के लिए क्या करूं, सफेद कपड़े पहन लूं? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, अरे सफेद कपड़े मैले हो जाएंगे तो उसको धोने के लिए रुक्मिणी कहाँ है? विठला ऋषा भाई के लिए क्या सोचा, कोई मिली? प्लीज जरा इंक्वायरी करके बताना,
I'm real bad need. मैं बाद में फोन करूं? Oh, I'm so sorry. ठीक है, good night. अंजलि, आज सुबह से तुम कृषा, उषा, आशा, संगीता, रजनी, मधु, मंजू, सोनू, रीना, बबली कितने फोन कर चुकी हो. सुबह से रात हो गई है, फिर भी एक बाई नहीं मिली. देखो तो. आपको पता है, रुक्मणी के जाने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में काम वाले की कितनी डिमांड है. करेक्ट. आपको पता है, मेरे छोटे भाई की शादी के लिए मैंने लोगों को लड़की सजेस्ट करने के लिए कहा था. अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने दो दो तीन तीन लड़कियां सजेस्ट की. ओहो. वही लोग एक बाई सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है अंजलि. काम वाली बाई सजेस्ट नहीं करते. सुनिए ना, मैं तो सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ ना अंजलि. बोलिए. प्लीज मजाक मत कीजिए. कैसे होगा सारा काम? मैम, आई एम एट योर सर्विस. आपका ये गुलाम हाजिर है मोहतरमा. मैं करूँगा आपकी हेल्प. हाँ जी, आप तो है. What do you mean? चलिए, आपका पहला काम इंटरनेट पे चेक कीजिए कि प्लेसमेंट एजेंसी वालों ने कुछ रिस्पांस भेजा कि नहीं. चलती. या देयर इज अ मेल, देयर इज अ रिप्लाई. हां, या नो बाय अवेलेबल, नहीं है बाय. ओफो, देयर आल्सो बैड लक. रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई. कितनी अच्छी थी. सचमुच बहुत अच्छी थी. हां. मेरा कहने का मतलब, काम बहुत अच्छा करती थी. तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ अंजलि, लेकिन अभी मैं ये आर्टिकल अपना पूरा कर लूं. आर्टिकल का टाइटल नहीं सुनोगी? क्या है? पहला दिन बिना काम वाली बाई के. अब्दुल, जरा स्ट्रॉन्ग सोडा बना. क्या हुआ आतिफ भाई, गैस ज्यादा खा लिया था आज? अरे नहीं जेठा भाई, ठीक से खाया ही नहीं, सिर्फ 23 रोटियां खाई हैं. तो क्या है ना, रुक्मणी जो चली गई है, कोमल पूरा दिन टेंशन में थी. आपके घर में ही डॉक्टर अति टेंशन नहीं था, हम सबके घर में था. कितना सैड दिन गया. आज का दिन तो सैडेस्ट डे डिक्लेयर करना चाहिए. करेक्ट कह रहे हो अय्यर साहब. अंजलि ने आज सुबह से 25 सहेलियों को फोन लगाया और हर फोन पे रुक्मणी पुराण. दुखी कर दिया यार. अरे माधवी तो मुझसे ऐसे झगड़ा कर रही थी जैसे रुक्मिणी को मैंने गांव भेज दिया हो. बेटे, माधवी भाभी का नाम मतलब तो बिचारी सीधी है, तुम्हारा ही स्वभाव झगड़ालू है. क्या मतलब? ओ, मैं समझाता हूँ पीड़े. ओ, सीधी सी बात है, तू झगड़ालू है. ओ, लड़ना तेरे स्वभाव में कूट कूट के भरा है. क्या? ओ, ऐसा मैं नहीं जेठालाल कह रहा. अरे सोड़ी, वो मतलब मैं समझ गया, तुम मुझे क्या समझा रहे हो. अरे देखा देखा, अभी सोड़ी के साथ झगड़ा कर रहे. देखो ए नारद मुनि. चुप रे कहीं कहीं. नारद मुनि? क्या नारद मुनि? फिर क्या? तो सच्ची बात हमें कड़वी लगती है. अरे भिड़े यार, या तो रुक्मणी के न होने की वजह से वैसे ही सब टेंशन में, और झगड़ा करके फिर टेंशन बढ़ा रहे हो. अरे भाई लोग, टेंशन को मारो गोली, एक एक सोडा और पियो और ऐश करो ऐश. ए अब्दुल, ऐश करो ऐश. कुंवारा है ना, इसलिए ऐसे बोलता है, ऐश करो. अरे शादी कर ले एक बार, घर में बेगम आई तब पता चलेगा कि गम क्या होता है. एक तुझे राज की बात बताऊं आज, आदमी या तो शादीशुदा हो सकता है या फिर सुखी. सही बात. अंजलि भाभी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है. रुक्मणी काम छोड़कर चली गई है, इसलिए. मेरी माँ कहती है कि भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए. आपकी माँ क्या कहती है? किस बारे में? अरे ये रुक्मणी काम छोड़कर चली गई, उस बारे में. ओह नहीं नहीं, मैंने मेरी माँ से ऐसी कोई बात नहीं की है. क्या आप अपनी माँ से सुख दुख की बातें नहीं करते हैं? अरे मैं तो कप का हैंडल टूट जाता है ना, तो वो भी अपनी माँ को बताती हूँ. उससे क्या होता है कि हमारा दुख है ना कम हो जाता है और मन हल्का हो जाता है. अच्छा. हाँ तो ठीक है, अब से मैं भी मेरी माँ से सारी बातें करूंगी. अंजलि भाभी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है. कल घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा. आपको चिंता नहीं हो रही है? हो रही है, पर उतनी नहीं, क्योंकि अब तो वो भी मेरे काम में हाथ बटाने वाले हैं ना, इसलिए. क्या मेहता साहब घर काम में आपका हाथ बटाने वाले हैं? हाँ क्यों नहीं, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए. और वैसे भी जरूरत पड़ने पर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, उसे तो अच्छे पति पत्नी कहते हैं, जीवन साथी. आई बात समझ में? अच्छा, ओ तो कल सुबह मैं भी टप्पू के पापा को घर काम में हाथ बटाने का कहूंगी.
अरे उठिए टप्पू के पापा, अरे उठिए टप्पू के पापा, 5 बज गए। एसी बंद कर। 5 बजे उठ के कहाँ जाना है तुझे? अरे रसोई घर में, आपको पता है आज से रुक्मणी नहीं आने वाली है, तो घर के सभी काम मुझे करने पड़ेंगे ना, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन। तो कर, उसमें मुझे क्यों उठा रही है? आपको मुझे घर के सभी कामों में मदद करवानी है। हाँ, पति को ऐसे वक्त पत्नी को मदद करनी ही चाहिए, वही तो सच्चे कंबल कहलाते हैं। कंबल? हाँ, वो कहते हैं ना बेस्ट कंबल। कपल? हाँ। अरे आपको पता है मेहता साहब भी अंजलि भाभी को घर के सभी कामों में मदद करवाने वाले हैं। देखो मेहता साहब पढ़े लिखे हैं, वो मदद करवा सकते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे ऐसा क्या करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट बापूजी। सोनू इसमें हंसने वाली क्या बात है? हा? आपको ऐसे देखकर कोई भी हंसेगा। कोई भी हंसेगा, माइती है, माइती है। कोई भी हंसेगा। सोनू कितनी बार कहा है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए? लास्ट टाइम। सोनू वो क्या कर रही है, पानी पी जल्दी से। यू बैक पैकी? अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप, ठीक से गुथिए ना उसको। अच्छा तुम वो क्या ड्राइंग का लिया सब? हां चल। एक शिक्षक होकर घर के काम कर रहा हूं। हां अरे आलू, अरे सोनू जा तू शूज पहन ले, मैं बाल बना के आती हूं। ये जरा मैंने काट के रखे हैं, इसके छिलके निकाल के देना। माधवी ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए मैं कर लेती हूँ। हाँ। आप बर्तन मांज लीजिए। हाय, तुम क्या समझती क्या हो मुझे? एक समझदार पति। आई, अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना, उसका टिफिन भरना है। आई आई। पोछा करते हो या बहुत स्मार्ट दिखते हो। ओए थैंक यू कुकी पुत्र। ओए चुप। रोशन आई सू करे छे, तू पोछा मार रहा है कि सो रहा है? ओ जिंदगी में पहली बार पोछा मार रहा हूं, टाइम तो लगेगा ना। और पंजाब में पता चला ना रोशन सिंह सोडी अपने घर में पोछा मार रहा है, तो पंजाब में गांव वाले आगे ना मुझे इसी पोछे की बाल्टी में डुबो डुबो के मारेंगे। रोशन ये पोछा छोड़, इसको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, पहले जाके इसको नहला दे। अरे अब उसको नहलाऊंगा भी मैं? पापा चलो ना जुबीज में नहाने जाते हैं। ओए चुप है, जुबीज में नहाने वाले। रोशन जल्दी करनी, मेरे को उसके लिए नाश्ता भी बनाना है, उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई स्कूल ड्रेस छे, इसको जल्दी से तैयार कर दो, समझे? ओए रोशन। पापा जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। गोली वो दूसरा वाला दे सॉक। अरे ब्रेक ना। गोली तू इतना बड़ा हो गया तुझे सॉक्स पहनना नहीं आता? क्योंकि बचपन से मम्मी पहनाती आ रही है ना, इसलिए। अरे ये क्या? गोली बेटा ये ले लंच बॉक्स, इसमें मैंने चीज पराठा रखा है। ओके चीज पराठे आपके लिए नहीं है, और जल्दी करो ना इसके स्कूल बस आती होगी, और बाद में क्लिनिक साफ कर देना। ओके हाँ क्लिनिक, ये तो गलत बात है। ओहो लेखक महाशय, अब आप अपनी चाय पीजिए, ये मैं खत लूंगी। ना 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 अंजलि देवी जी, अग्नि के समक्ष फेरे खाते वक्त हमने वचन लिया था कि सारी जिंदगी आपका साथ निभाऊंगा, तो अब मैं साथ निभा रहा हूँ। आज आपने सारा घर का काम किया है, तो खाना आपको मैं खिलाऊंगा। वाओ
I'm so lucky. अच्छा सुनिए, मैं सोचती हूँ कि अगर नई बाई ना भी मिले तो चलेगा। ए, उंगली क्या पकड़ी, हाथ पकड़ लिया है? भाई किसी ने ठीक कहा कि इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दें, और इतने मीठे भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। So ma'am, I resign from the post of cook right now. अच्छा जी। जी। तो आप भी सुन लीजिए कि जब तक नई बाई नहीं मिल जाती, आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, मैं भी 2 महीने के लिए मायके जा रहा हूँ। जाओ। तुम्हारी दाल तो नहीं गलेगी। लीजिए, आपकी सीटी बच गई। अरे तुम्हारी दाल गले ना गले, मेरी दाल जल जाएगी। ये सब क्या कर रहे हो? बबीता, तुमको काम करने का आदत नहीं है ना, इसलिए मैं कपड़े सुखाता है। काम ही करना है ना तो अंदर जाके बर्तन साफ करो ना। ये सब करते हुए तुम्हें सोसाइटी वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे ना कि कृष्ण ने आई यार बबीता को कितना प्यार करता है। Listen, I know all that. पर मुझे ये बात सोसाइटी की न्यूज नहीं बनानी है, प्लीज अंडरस्टैंड। बबीता प्लीज, एक बार था ना, अंदर जाओ। ओके। चींटी ने हाथी को घिरा दिया। अरे बहू, चाय नाश्ता लाना। और सुना, और सुना। राम। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय, और टप्पू ये तेरा दूध। अरे वाह जेठिया, ये क्या? आज तू चाय ला? वाह जेठिया वाह, आज तो तुझे देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई है। मैं भी कभी कभी इसी तरह तेरी माँ की मदद किया करता था। दादाजी, मैं भी बड़ा होके मेरी वाइफ की ऐसी मदद करूंगा। दूध तो आ गया, नाश्ते में क्या है? इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, चीज डोसा, मैसूर डोसा, ये सब मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो तेरी माँ ने बनाया वही मिलेगा भाई। ले टप्पू बेटा, बापूजी ये लीजिए, नाश्ता तैयार है। और हाँ बापूजी, आज इन्होंने भले ही मुँह बिगाड़ कर तो बिगाड़ कर और मेरी मदद बहुत की। वाह जेठिया वाह, आज तो मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। शाबाश। थैंक यू बापूजी। बापूजी, आज आपको इन पर गर्व हुआ ही है तो अब से मैं रोज इनसे घर के काम करवाऊंगी। कहाँ गए? हाँ बोलो। अच्छा सुनिए बापूजी, चाय नाश्ता कर लेना, फिर ये प्लेट और कप लेकर अंदर आ जाइए। ठीक है सेठानी जी। क्या भी? क्या मुसीबत है, ये मेहता साहब की वजह से मैं फंस गया। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष घर का काम करने में हमेशा कतराता क्यों है। उसे क्यों लगता है कि ये काम तो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, मैं तो बाहर के काम के लिए हूँ। लेकिन आज महिलाएं तमाम क्षेत्रों में कितनी तरक्की कर रही हैं, आप देखें। जितनी कुशलता से महिला बाहर के काम करती है, वो जहाज उड़ा सकती है, वो ट्रेन चला सकती है, वो एक फिल्म की डायरेक्टर हो सकती है, वो एक होटल की मैनेजर हो सकती है। और जितनी कुशलता से वो सारे ये काम करती है, उतनी ही कुशलता से घर का काम भी करती है। लेकिन पुरुष वो ये कहता है कि अगर मैंने बाहर का काम कर लिया तो घर का काम मैं क्यों करूं। लेकिन सोचिए जरा, जीवन की गाड़ी की ये 2 पहिए हैं, अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो जीवन की गाड़ी की गति का कमाल ही अलग होगा। आप भी सोचिए जरा और बैठाइए अपने अपने जीवन साथी का हाथ, फिर देखिए कि हंसी किस कदर जोरों से आती है। और नहीं आए तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।